और सबसे पहले आपको बता दें जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आईपीएल फिक्सिंग मामले में गुरुनाथ मैयप्पन और विंदु दारा सिंह को मुंबई के किला कोर्ट से जमानत मिल गई है। इन दोनों को जमानत दे दी गई है, 25,000 के निजी मुचलके पर इन दोनों को जमानत दी गई है। फिक्सिंग में सबसे पहले विंदु का नाम आया था और एक बड़ा नाम विंदु का आया था, उसके बाद मैयप्पन की गिरफ्तारी हुई थी। लगातार तफ्तीश चल रही थी, कई खुलासे हुए थे और आज किला कोर्ट से मिली है जमानत। जयप्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जयप्रकाश, क्या कुछ कहा गया वकील के द्वारा और क्या डिटेल है? देखिए, बिंदु मैयप्पन और प्रेम तनेजा के अलावा जो अल्पेश पटेल हवाला ऑपरेटर थे, इन चारों के वकीलों ने दलील रखी कि जो बेलेबल ऑफेंस है वो भी मुंबई क्राइम ब्रांच साबित नहीं कर पाई है और जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो करीब पूरा हो चुका है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बिंदु से या मैयप्पन से पूछना बाकी हो, कोई भी मटेरियल एविडेंस नहीं बचा है जिसको निकालना बाकी हो, सारी चीजें आ चुकी हैं, तो उनको जमानत दे दी जाए। कोर्ट ने कल इसकी पूरी हियरिंग सुनी थी और आज फैसले के लिए जो है समय मुकर्रर किया था और जैसे ही कोर्ट में आज हियरिंग दोबारा शुरू हुई, कोर्ट ने सीधा फैसला दे दिया कि 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर चारों जो आरोपी है आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़े गए हैं, गुरनाथ मैयप्पन, बिंदु दारा सिंह, अल्पेश पटेल और प्रेम तनेजा, चारों को जमानत दे दी जाती है और चारों को कोर्ट ने 25,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। हालांकि इन्हें ये आदेश दिया गया है कि ये मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में पूरा सहयोग करेंगे, कोई भी सबूत और गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और देश छोड़ने के पहले मुंबई क्राइम ब्रांच और कोर्ट को जरूर इत्तला करेंगे। पासपोर्ट जो है इनका कोर्ट जो है अपनी देखरेख में रखेगी और सबसे अहम बात यह है कि इनको देश न छोड़ने का एक तरह से इंटीमेशन दिया गया है। तो सबसे अहम इसमें मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की और कस्टडी जो मुंबई क्राइम ब्रांच बढ़ाने की बात कर रही थी, जेल कस्टडी के अलावा मुंबई क्राइम ब्रांच ने यह अपनी दलील रखी थी कि अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी जेल कस्टडी में वो रहेंगे तो वो पूछताछ के लिए दोबारा पुलिस कस्टडी मांग सकते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि सीधे तौर पर इसका विरोध जमानत का नहीं किया था क्राइम ब्रांच के द्वारा, सिर्फ यही मांग की गई थी कि जब जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाया जाएगा और कोर्ट ने इस दलील को भी माना और जमानत इन दोनों को मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए।